क्लास, कैसे हो आप सब? पिछले वाला वर्क कंप्लीट कर लिया आपने? पुट द साइन एंड वो सम्स दिए थे आपको बिटवीन आफ्टर वाले, वो ना आपको करने हैं बेबी, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। मम्मा पापा को बोलना है कि हमें सम्स दो, हमसे पूछो बिटवीन आफ्टर वाले भी और पुट द साइन वाले भी, तो हमारा टेस्ट लो, हमें पता चलेगा कि हमें आते हैं नहीं आते। प्रैक्टिस करते रहना है, ओके? चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको फिर से अपनी ये वाली बुक ओपन करनी है मैथमेटिक्स की, और आपका पेज नंबर है 42। पेज नंबर 42 ओपन कर लो जल्दी से, अपनी पेंसिल इरेजर ले आओ, करें स्टार्ट। चलो, ये हमें कहते हैं अरेंज एंड असेंडिंग ऑर्डर्स। तो ये कहते हैं कि ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, ये जो डिजिट दिए गए हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते क्रम में, मतलब कि पहले छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। अब ये है 301, सेकेंड है 298, थर्ड है 442, फिर है 332। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी नहीं? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, क्या थी वो, कि सबसे पहले जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर चेक करो आप। अब इसका फर्स्ट नंबर है 3, इसका है 2, इसका है 4, इसका है 3। अब इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो ये तो हमारी फाइनल होगी कि ये सबसे छोटी डिजिट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 298। अब ये तो होगी, अब बच गई ये 3। अब 3 में ये जो 3 है, ये 4 से छोटे हैं, बट ये 3 वाली 2 डिजिट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी छोटी है? तो इसकी सेकंड डिजिट देखते हैं। इसकी सेकंड डिजिट है 0 एंड इसकी है 3। अब 3 बड़ा है या 0 बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो छोटा 0 है। तो ये जो 301 वाली होगी, ये होगी हमारी सेकंड डिजिट, और इससे बड़ी हमारी 3 वाली ये होगी 332, और उसके बाद हमारी सबसे लास्ट पे 442। देखा हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। सबसे पहले आपको ये फर्स्ट नंबर देखना है, फिर उसके बाद सेकंड देखना है, ठीक है। चलो एक और करते हैं, ये है 786, 760, 762, 765। 700 दे रखा है सब में, है ना। अब क्या करेंगे? तो हमें तो पता है कि सेकंड डिजिट देखनी है, बट इन्होंने तो सेकंड डिजिट में भी 66 सेम ही दे रखा है। अब तो हम थर्ड डिजिट देखते हैं। इसकी थर्ड डिजिट है 8, इसकी थर्ड डिजिट है 0, इसकी थर्ड डिजिट है 2 एंड इसकी थर्ड डिजिट है 5। देखो कितनी जल्दी आंसर मिला हमें। इनको लगा था हम पजल हो जाएंगे, नहीं हुए ना, हमने जल्दी जल्दी आंसर निकाल लिया। सबसे पहले 0, ये सबसे छोटी है, तो हम लिखेंगे 760, उसके बाद है 2, उसके बाद है 762, उसके बाद है 5, 765 एंड उसके बाद है 768। हो गया ना जल्दी जल्दी। चलो अब ये वाले जो हैं, ऐसे ही आपको करने हैं। आप पहले, अगर आपको सेम लग रहा है ना, तो फर्स्ट डिजिट देख लो, अगर वो सेम आ रही है तो फिर सेकंड डिजिट देख लो। सबसे पहले आपको सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे लिखना है, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सबसे बड़ा। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे करते हैं। उसके बाद है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बेटा घटते क्रम में, कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। अब जैसे ये है 518, 609, 204 एंड 722। अब ये जो डिजिट हैं, हमें ये कैसे लगानी है? सबसे पहले हम सबसे बड़ी डिजिट लगाएंगे। असेंडिंग में हमने सबसे पहले छोटी लगाई है ना, डिसेंडिंग उससे ऑपोजिट है। हमें सबसे पहले क्या लगानी है? जो सबसे बड़ी डिजिट है। चलो वैसे ही फाइंड आउट करते उसी ट्रिक से। ये है 5, इसकी फर्स्ट नंबर है, इसका फर्स्ट नंबर है 6, इसका फर्स्ट नंबर है 2 एंड इसका है 7। निकल गया हमारा आंसर। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 7। तो सबसे पहले क्या आएगी? 722। उसके बाद छोटी डिजिट कौन सी है? 6। तो सेकंड वाली आएगी हमारी 609। उसके बाद थर्ड पे 5 वाली, तो ये आएगी 518 एंड उसके बाद 2 वाली हमारी लास्ट डिजिट जो बच गई 204। वेरी गुड, कर लिया ना जल्दी जल्दी। अब चलो एक और करते हैं। ये सेकंड वाला है हमारा 391, 398, 390 एंड 396। अब ये इन्होंने फिर से 300 दे दिया हमें, इनको लगता है फिर से हम पजल हो जाएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट सेम है, छोड़ दो, सेकंड सेम है, छोड़ दो, आ जाओ थर्ड पे। इसकी है 1, इसकी है 8, इसकी है 0 एंड इसकी है 6।
निकाल लिया हमने फिर से जल्दी से। तो Z सबसे बड़ी है 8, तो सबसे पहले आएगी 398, उससे सेकंड नंबर पे छोटी है 6 तो आएगी 396, उससे छोटी है 1 तो आएगी 391, और सबसे छोटी है ये बेचारी चुटकू सी 0 वाली, तो लास्ट पे आएगी 390। ठीक है, आपको अब ये वाले जो सम है और ये वाले जो सम है जो लेफ्ट है वो अपने आप करने हैं। ठीक है, तो बेबी अच्छे से करने हैं, समझ के करने हैं आपको। फर्स्ट डिजिट देखो, अगर फर्स्ट डिजिट सेम आ रही है तो सेकंड डिजिट देखो, अगर सेकंड डिजिट सेम आ रही है तो थर्ड डिजिट देखो। ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है आपको, मम्मा पापा को बिठा लेना, उनसे पूछ लेना, और ना समझ आए तो वीडियो फिर से देख लेना। ठीक है, अच्छे से करना।